गुड इवनिंग बच्चों। पिछली बार हमने जो क्लास की थी उस क्लास के अंदर हमने सेकंड स्टेप चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और सेकंड चैप्टर का जो नाम था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें मैंने आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया था। फ्लावर के स्ट्रक्चर में मैंने आपको कैलिक्स और कोरोला के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में बात स्टार्ट कर रहे हैं कि मैंने कहा कैलिक्स ग्रीन कलर के होते हैं और कोरोला कलरफुल होते हैं, तो आप कलर के बेसिस पे इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते कि कौन सा कोरोला है कौन सा कैलिक्स है। तो अगर हम उनमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए हम एक टर्म काम में लेंगे और वो टर्म होगी पेरियांथ। ध्यान दीजिए, कैलिक्स और कोरोला की तरह एक टर्म होगी पेरियांथ और उसकी सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, टेपल। और इसका एग्जाम्पल है आपके लिली। यानी ऐसा किस में मिलता है आपको, लिली में। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं तो आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो पेरियांथ जो टर्म है वो पेरियांथ टर्म क्यों काम में ली जाती है, कि व्हेन वी डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द कैलिक्स एंड कोरोला देन वी पुट अ सिंगल टर्म विच इज़ नोन एज द पेरियांथ एंड सिंगल यूनिट ऑफ पेरियांथ इज नोन एज द टेपल। फॉर एग्जाम्पल लिली प्लांट या लिली फ्लावर। नेक्स्ट हम थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। फ्लावर का थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एंड्रोशियम। दिस इज़ द थर्ड रूल, ये तीसरा चक्र है। सिंगल यूनिट ऑफ एंड्रोशियम नोन एज स्टेमन, इसकी एक यूनिट क्या कहलाएगी, स्टेमन कहलाएगी और यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह फ्लावर में बिहेव करेगा। ईच स्टेमन कंसिस्ट एंथर एंड फिलामेंट। यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू शो किया है। ये देखिए, ये जो आपको डबल लेयर स्ट्रक्चर दिख रही है, दो स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये क्या है, एंथर है, और ये जो लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसका फिलामेंट है। जो एंथर है वो डायथिकस होता है। डायथिकस क्यों होता है बच्चों, कि वैसे तो इसके अंदर चार पोलन सेक्स पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, लेकिन ये जो दो पोलन सेक आपको दिख रहे हैं इनके बीच की जो मेम्ब्रेन है वो इतनी ज़्यादा डिमिनिश हो जाती है कि ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। और जब ये दोनों मर्ज हो जाते हैं और ये दोनों भी मर्ज हो जाते हैं तो कुल मिलाकर कितने चैम्बर रह जाते हैं, दो। इसीलिए ये जो एंथर होता है वो डायथिकस होता है। उसके अलावा देखिए, इसमें पोलन सेक्स में मियोसिस होगा और मियोसिस होने के कारण आपको बताया था मियोसिस क्या होता है, ऐसा डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बनती हैं, तो इसमें मियोसिस होने के कारण बनेंगे पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट उसके आगे आइए, एंथर की बात करते हैं। ईच एंथर आर बाइलोब। ये देखिए, एक लोब तो ये रही और एक लोब ये रही, तो मतलब ये कितने लोब स्ट्रक्चर हो गया, बाइलोब स्ट्रक्चर, टू लोब स्ट्रक्चर। एंड कंटेन 4 माइक्रोस्पोरिंजिया, इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरिंजिया है। ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 और ये 4। इन माइक्रोस्पोरिंजिया को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, पोलन सेक्स भी कह सकते हैं। तो यानी 4 पोलन सेक्स पाए जाते हैं। द पोर्शन ऑफ स्टेमन विच कनेक्ट द एंथर एंड द फिलामेंट इज नोन एज कनेक्टिव। ये डायग्राम में मैंने शो नहीं किया, बट ऐसा पोर्शन जहाँ से एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़ेंगे उस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, कनेक्टिव। यानी कनेक्टिव वो पोर्शन है जिससे एंथर फिलामेंट से जुड़ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये एंड्रोशियम के बारे में जानकारी मैंने बताई है। नेक्स्ट चौथा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है गाइनोशियम। इट इज़ द लास्ट रूल, ये फ्लावर का सबसे लास्ट पार्ट होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कार्पल, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, कार्पल। और कार्पल ना लिखकर कहीं कहीं पर आपको इसको पिस्टिल भी लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी आप इसके दो नाम बोल सकते हैं, कार्पल और पिस्टिल। गाइनोशियम नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम कैसे बिहेव करेगा, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह। इट हैज़ 3 पार्ट, इसके अंदर 3 पार्ट होंगे, तीनों को मैंने अलग अलग लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ही ध्यान दीजिएगा। 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो इसलिए ईजी है सब कुछ। स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है, रिसेप्टिव पार्ट, रिसीव करता है, किसको रिसीव करता है, पॉलन ग्रेन्स को। स्टाइल क्या है, कनेक्शन है, किस किस के बीच का, स्टिग्मा और ओवरी के बीच का। और ओवरी क्या है, बेसल यानी जमीनी स्तर का पार्ट है जो सोलन यानी फूला हुआ रहता है। और ये किसका पार्ट है, कार्पल का। तो ये मैंने डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पे शो किया है। ये देखिए, ऊपर है स्टिग्मा जो रिसीव करेगा, पॉलन ग्रेन इसके ऊपर इस तरीके से आएंगे और पॉलन ग्रेन जब आएंगे तो ये इनको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। उसके बाद स्टाइल दिखा रहे हैं, स्टिग्मा और ओवरी को ज्वाइन कर रही है, और ओवरी दिखा रखी है स्वोलन पार्ट, तो इसके अंदर ये प्रेजेंट है ओव्यूल्स। ओव्यूल एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये तो एंड्रोशियम और ये गायनोशियम। नेक्स्ट उसके बाद में आ जाइए माइक्रोस्पोरिंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरिंजिया। इसके अंदर जो मैंने आप बताए थे कि एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरिंजिया होते हैं, 4। तो अब हम एक माइक्रोस्पोरिंजिया के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। माइक्रोस्पोरिंजिया हैज़ 4 वॉल्स। यहाँ से 3 नंबर का बड़ा प्रश्न उठता है, तो इसलिए ये प्रश्न आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा 3 नंबर के प्रश्न में डायग्राम के समेत, कि इसके अंदर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, 4। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिसमें पहली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, दूसरे का नाम है एंडोथीसियम, तीसरे का नाम है मिडिल लेयर और फोर्थ का नाम है टैपेटम। वापस से ध्यान दीजिए, फर्स्ट लेयर क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस, दूसरी लेयर कहलाएगी एंडोथीसियम, तीसरी लेयर कहलाएगी मिडिल लेयर और चौथी लेयर कहलाएगी टैपेटम।
तो यहाँ पर हम डायग्राम में भी शो किया हुआ है, देखिए सबसे बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस, उसके बाद में सेकंड वाली लेयर क्या है, ये एंडोथीसियम, थर्ड वाली लेयर है मिडिल लेयर, और फोर्थ लेयर है टैपेटम। ये आपको चार क्या दिखा रखी हैं, चार आपको स्पोरोजिनस टिश्यूज दिखा रखे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियाज, चार माइक्रोस्पोरेंजिया दिखा रखी हैं इस तरीके से। तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर चार लेयर हैं, सबसे पहले एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा टैपेटम। इनमें से पहली तीन वाली यानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, इन तीनों लेयर्स का काम होता है प्रोटेक्शन का, यानी ये तीनों लेयर क्या करती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया की प्रोटेक्शन करती हैं ये तीनों लेयर। और चौथी जो लेयर है टैपेटम, ये टैपेटम क्या करती है बच्चों, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जितने भी हमारे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे उनको ये क्या देगी, न्यूट्रिशन। तो ये एक एक नंबर में फंक्शन भी पूछा जाता है कि तीन लेयर का काम क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर का, इनका काम है प्रोटेक्शन, और टैपेटम का फंक्शन है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को क्या देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि टैपेटम की जो सेल्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस लिखिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स बताइए। तो देखिए बच्चों, जो टैपेटल सेल्स होती हैं मे बी यूनी, बाई और मल्टी न्यूक्लिएट, वो कैसी हो सकती हैं, यूनिन्यूक्लिएट हो सकती हैं, एक न्यूक्लियस वाली हो सकती हैं, बाई यानी दो न्यूक्लियस वाली हो सकती हैं, और मल्टी यानी बहुत सारे न्यूक्लियस वाली हो सकती हैं, एंड पजेस, पजेस का मतलब रखना, वो रखती हैं, क्या रखती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये चीज़ें दो नंबर के प्रश्न में पूछी जाएंगी, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में जो भी नेक्स्ट चीज़ें होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैव अ नाइस डे।